अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर लुबना हफीज़। उनको वेलकम करती हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि बाज दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत कम एज में बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी भी हो जाती है, और फिर क्या किस एज की बच्चियाँ जो हैं वो शादी के काबिल होती हैं और प्रेगनेंसी अगर हो तो ख़तरा नहीं है जान को? क्योंकि कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं पाकिस्तान में, कुछ गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ बच्चियों को बहुत जल्दी शादी उनकी कर दी जाती है। देखें, हमारे मतलब अकॉर्डिंगली जो हमारी अपनी पाकिस्तान की हेल्थ जो बच्चियों की अगर हम देखें तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद तो आप ये हो गई आपकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप शादी कर सकते हैं, मगर आइडियली जो एज है वो है 20। अगर आप 20 इयर्स के बाद करते हैं और वो एक दो साल में बेबी कंसीव करती है तो आई थिंक कि वो 20-21 एज एक अच्छी मतलब एज होती है कि आप में जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इतने आप मतलब मेच्योर होते हैं कि एक बेबी को बेयर करना, एक उसको अच्छी सेहत देना, एक अच्छा माशरा देना और एक क्वालिटी लाइफ उसको इतना इंट्रोड्यूस कराना, ये आपकी तमाम तरस उसमें आती है। एक बींग अ मदर ये सारी चीज़ें पूरा प्रोटोकॉल एक होता है, सिर्फ बेबी को डिलीवर करना नहीं है, एक उसको हमें क्वालिटी लाइफ भी देनी है, एक अच्छा इंसान भी बनाना है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर दूसरा शख्स मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो 70-80% जो अभी डेटा अभी कुछ अरसे पहले शेयर हुआ है पाकिस्तान के ना सीनियरिटी के उससे कि यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली ऐसे हैं कि मतलब आप देखें कि स्ट्रेस में आपको मिलेंगे जी। इवन दोज वो पार्क में चल रहे हैं तो स्ट्रेस में हैं, रोड पे हैं तो स्ट्रेस में हैं। तो इसलिए ये होता है कि वो लेडी जो कि मतलब बिल्कुल मेंटली तौर पर और जिस्मानी तौर पर फिजिकली मेंटली बिल्कुल हेल्थ इश्यूज उसके कोई ना हो तो बेहतर है कि 20 साल की उम्र, 20 साल और 35 से ना पहले। तो वो क्या होता है, वैसे जो आइडियली फर्टाइल है ना एज है 18-35 है अकॉर्डिंगली ग्लोबल जो हमें डेटा आता है, मगर हमारे पाकिस्तान में तकरीबन बेहतर है कि 20 से 35 साल के दरमियान की खवातीन प्रेगनेंसी को ना वेलकम करें और उसको एंजॉय करें। अच्छा वैसे डॉक्टर साहबा, अभी काफ़ी बार और काफ़ी चीज़ें मैंने भी ऐसी देखी हैं कि बहुत शौक हो जाए होता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं फिर दिल करता है कि एक बच्चा और होना चाहिए ना, तो वो एज 35-40 तक अब जा रही होती है, तो क्या उस टाइम प्रेगनेंसी होना सेहत के लिए, औरत की सेहत के लिए या बच्चे के लिए कोई नुकसानदेह हो सकता है उस एज में प्रेगनेंसी अगर हो? लेकिन डेफिनेटली जब आपकी एक फर्टाइल एज है ठीक है, आप जब तक आपकी साइकिल आपकी रेगुलर है, FSH आपका नॉर्मल है, हार्मोनल कोई इम्बेलेंस आपका नहीं है, आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, मगर हेल्थ इश्यूज़ में ही होता है कि अगर आप अभी देखें करंटली हमारे पास जो बच्चियाँ आ रही हैं, जो खवातीन आ रही हैं प्रेगनेंट, मोस्टली आपको उसमें BP हाई उनका PIH मिलेगा जो प्रेगनेंसी इंड्यूस करती है हाइपरटेंशन, वो उनको ना BP हाई की पेशेंट्स मिल रही हैं, वो बच्चियाँ जो हार्डली 20 साल की हैं 21 साल की हैं हमें देखने में आ रहा है, गेस्टेशनल डायबिटिक वो आ रहा है। तो अब हमारे पास पहले से कोमॉर्बिड्स हो गए ना कि अगर हम 20 साल 21 साल की बच्ची को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हाइपरटेंसिव हो रही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो गेस्टेशनल डायबिटिक अगर डेवलप कर रही है, तो वो अगर बाद में मेंटेन नहीं करती, मतलब मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मेरी बेटी 19 साल पहले डिलीवर हुई, तो उस वक्त मुझे PIH की मैं पेशेंट थी क्योंकि बल्की बॉडी थी, रिस्क फैक्टर मेरे पास तो आ गए ना। अब मुझे क्या था कि सेकंड बेबी में मैं गेस्टेशनल डायबिटिक मैंने डेवलप की, अब उसके बाद से लेकर टिल टुडे अब मेरे पास नमक इंटेक मेरा कम है, शुगर इंटेक मेरा कम है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सिम्टम्स शुगर या ब्लड प्रेशर के नहीं है, मगर ये मैं कर रही हूँ, हो सकता है दूसरा ना कर रहा हो या दूसरा मुझसे अच्छा कर रहा हो। अब मैं सोचूं कि भाई ठीक है मैं अप्रॉक्स 40+ हो गई, अब मैं कोई बेबी कंसीव करती हूँ तो मेरे पास पहले सोचना पड़ेगा मेरे हाई रिस्क फैक्टर मेरे पास कौन से हैं, कोमॉर्बिड्स मेरे कौन से हैं जो मेरे हेल्थ इश्यूज को बढ़ा देंगे, वर्कलोड बढ़ा देंगे। अगर मैं पहले ब्लड प्रेशर शुगर डेवलप कर गई, डेफिनेटली अगर मैं बेबी अभी कंसीव करती हूँ एज फैक्टर तो आ गया, फर्टाइल एज बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई, तो वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा ठीक। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज बिल्कुल सही है, डाइटरी हैबिट अच्छी है, BMI आपका अच्छा है और कोई आपके पास कोमॉर्बिड्स नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, यू कैन वेलकम, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी काफ़ी सारी औरतों को एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स के पास जाएं अगर आप तो फ़ौरन से सीज़र कर दिया जाता है, वेट नहीं किया जाता या ज़्यादा, अब
रुझान इसका हो चुका है, इसकी कोई ख़ास वजूहात हैं कि डॉक्टर्स क्यों अब इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? क्या आपको कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं वो थोड़े आवाम के लिए, देखने वालों के लिए बताएं, क्योंकि अब जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो पहली इस जो है ना सासू माँ का यही होता है कि नॉर्मल तो होना नहीं है क्योंकि अब तो डॉक्टर्स सीजर करते हैं। देखिए आप उसकी वजूहात बताएं कि ये वजूहात होती हैं, उसके बाद हम इस तरफ जाते हैं। अच्छा देखिए मोस्टली ये होता है, ये है, मैं इस पर पूरा मतलब किसी भी डॉक्टर को ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं उनका साइड लूँ या बींग एक डॉक्टर मैं अपने आप को खुद से मतलब प्रोटेक्ट करूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा है। होता क्या है कि बींग ए डॉक्टर मैं गई, मैंने देखा, अच्छा रिस्क फैक्टर की बात बाद में यूँ करूँगी कि मैं पहले ये नहीं कि मैं अपने आप को मैंने सेव कर लिया। होता क्या है कि पहले जो खवातीन जो थी ना, हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। अब हमारे यहाँ जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट होकर आती हैं डे वन से वो चाहती हैं बेड रेस्ट, डे वन का बेड रेस्ट, डे वन का उनका ये होता है हाइपरिमेसिस अगर हो रहा है, अगर बिलफर्ज उनको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं कल भी एक जगह प्रोग्राम था उसमें भी ये कहा कि उल्टियाँ होना, वोमिटिंग का होना, दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर यू, इट्स नॉट अ पैथोलॉजिकल इन अ चेंजेस, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर होता है कि उल्टी आ रही है, ब्लेसिंग है उस मदर के लिए कि एंड ऑफ द टाइम आप बेबी नॉर्मल डिलीवर करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छी आएंगी। मगर हमारे यहाँ अब जो दौर में मैं देख रही हूँ बच्चियाँ ये समझना नहीं चाहती, वो कहती हैं उल्टी आई हैं इनको रोक दें। इसका मतलब आपने वॉमिटिंग्स को रोका, एक नॉर्मल फिनोमेना है, ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिव साइन है, आपने उसको ख़त्म किया। अब उससे क्या हुआ कि एंड ऑफ द टाइम जो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आनी है वो आधी नहीं है। अभी जब वो आपकी ये वॉमिटिंग्स को बेयर नहीं कर रही तो वो बच्ची लास्ट में जाके ये लेबर पेन कैसे वो बेयर करेगी? अच्छा थोड़ा सा रुझान ये माओं की तरफ से ज़्यादा कि बस इसको आराम करवा दें, दर्द हैं तो दर्द रोक दें। आप कोई भी चीज़ अगर इनटेक कर रहे हैं दर्द रोकने की, तो वो आपकी सिर्फ सर का दर्द या पेट का दर्द तो नहीं, आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को उस वक्त वो नहीं करेगी, पॉजिटिव हमें रिजल्ट। मगर आज भी अगर आप देखें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मोस्टली ये आपके नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। अगर हम सी सेक्शन कर दिया करते थे, जिस वक्त मैं पीजी शिफ्ट कर रही थी अब्बासी में, तो हमें सुबह ये डर होता था कि अगर हमने 6 नॉर्मल डिलीवरीज कराई हैं और 4 सीजर, तो आप बिलीव करें कि हमारी प्रोफेसर होती थी डॉक्टर शबनम शमीम, हमें खौफ होता था। वो रीज़न पूरा हमारे पास बाकायदा विद एविडेंस होगा कि किसी का तीसरा सीजर है, किसी का चौथा है। अगर हमने पहला सीजर कर दिया तो हमें पता होता था कि हमारी क्लास होनी है। मगर हमारे पास विद एविडेंस अगर है अनटिल अनलेस के बेबी डिस्ट्रेस में है, किन वजहों पे हम इमरजेंसी सीजर करते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रही हूँ, अब मैं कोई प्राइवेट सेक्टर को मैं वो नहीं करूँगी, उनकी अपनी मर्जी। हमारे पास अगर पेशेंट बीपी हाई की पेशेंट है या कहीं से ऑलरेडी ट्रायल लेकर आई है, बेबी डिस्ट्रेस में है या गेस्टेशनल डायबिटिक है या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये हम उसको कहते हैं कि आप फौरी तौर पर सीजर करें। या उसको पानी छूटा हुआ है, लेमन की है ये जबान में मैं बता रही हूँ, पानी छूट गया, काला पानी आ रहा है, औरत को बीपी हाई हो रहा है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है, या दवा रख के किसी दाई ने या किसी डॉक्टर ने ट्राई ली, ऑब्स्ट्रैक्ट अगर उसकी डिलीवरी है, उसका पेल्विक हो सकता है कि नहीं है ना, एंड्रॉयड है ना पेल्विक हो, कोई ऐसे इशू है जो कि विद एविडेंस हमारे पास है, तो हम प्राइमरी ग्रेविटा का सीजर करते थे। वरना सुबह हमें ये पता होता था कि अगर हमने कर दिया, चेक एंड बैलेंस था ना, हमने कर दिया तो हमें एक प्रोफेसर को जवाब नहीं देना, 6 बैठी होती थी, सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती थी, तो हमें खौफ होता था कि अगर किसी का कि भाई इसकी अगर सीटीजी हमने निकाली है बच्चे की ना, सीटीजी निकाली वो लगाओ, पैथोलॉजिकल सीटीजी है कि वो उसकी ख़राब आ रही है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, या उसका लीकिंग की हमारे पास हिस्ट्री है या सेप्सिस में आई है, तो विद एविडेंस हम रखते थे। और फिर भी हम खौफ में होते थे कि मैडम कहती थी कि फिर भी ट्राई क्यों नहीं ली, या बिल्कुल ये होता था कि वाकई आपके पास हर चीज़ पूरे प्रोटोकॉल पूरे हैं, ये गवर्नमेंट की बात बता रही हूँ, प्राइवेट में कहाँ क्या हो रहा है ये सबको पता है। मैं फिर भी, मैं खुद भी प्राइवेट सेक्टर चलाती हूँ, उसके बावजूद मेरे अपने एरिए में मेरा अभी तक जो रेशो है 70-80% ये है कि नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट बेबी की, इवन दोज वीबैक में कराने पर कमांड रखती हूँ कि जो अगर एक सीजर हुआ हुआ है और 3 साल का उसका वक्फा है, तो वो मैं शर्तियाँ उनसे कहती हूँ आप आ जाएं, पूरे प्रोटोकॉल अगर मेरे पास पूरे हैं डेफिनेटली उनको हम वी बैक कराएंगे। वी बैक मीन्स मतलब एक सीजर के बाद नॉर्मल डिलीवरी कराना, उसके बाद थ्रू आउट आपके सारे नॉर्मल होंगे।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं बच्चियों के साथ भी होते हैं और ये कुछ ज़्यादा अब जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अमूमन जब मैंने जो एक चीज़ देखी है कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चियों को होंगे यकीन, बच्चियों को डेफिनेटली ये आजकल इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। देखें, मैं जिस वक्त यंग थी मुझे नहीं पता हार्मोनल इम्बेलेंस क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, बाल क्यों गिरते हैं, बाल गिरते थे तो तेल लगा लो एक नॉर्मल एक ये था और असर भी हो जाता था। अब बच्चियों को मैं देखती हूँ हार्मोनल इम्बेलेंस इनका मोस्टली क्यों है, एक तो इनकी डाइटरी हैबिट बहुत ख़राब है, देन ये कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी अगेन वो बहुत ख़राब है, स्लिपिंग फैक्टर इनका आप देखें वो इससे ज़्यादा ख़राब है, इवन मल्टीमीडिया इस्तेमाल। मैं समझती हूँ मेरी एज की शायद उस वक्त जो ड्रामे देखती होंगी उनका भी फोकस अब ये क्लोज कॉन्टेक्ट पे हम आ गए कि मोबाइलों में पूरी ज़िंदगी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके हार्मोनल इम्बेलेंस कैसे करते हैं कि पहले ये होता था कि आपकी डाइटरी हैबिट, पहले ये होता था कि घर में खाना बना बच्चे वही खाएंगे, अब फूड पांडा इजी टू अप्रोच है, चिकन का इस्तेमाल, चिकन आपको पता है कि विद इन शायद 15 डेज वो मेच्योर हो जाती है। अगर आप अभी चिकन का एक प्रैक्टिकल करें उसको ला के यहाँ खड़ा करें वो खड़ी भी नहीं होगी, मतलब वो इतनी लागिर होगी, इतना उस पर वजन होगा, वजन का लोड इतना होता है कि नहीं। आजकल अपने बच्चों को मैं अपने घर में देखूँ तो मैं एक दफ़ा कहूँ ये चीज़ ले आओ वो ले आओ, तीसरी दफ़ा पे होगा तो एक दो दफ़ा जा तो चुके, तीसरी बार नहीं जा, मतलब तीसरी बार नहीं। पहले क्या होता था घर बड़े बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं, अब हम एक मैं समझती हूँ हम दड़बों में रह रहे हैं, थोड़ा सा हमारा अपना एरिया जो है बस ए सी में रह लिए, ये हो गए वेंटिलेशन नहीं है, डाइटरी हैबिट ख़राब है। आप देखें अभी लास्ट में तकरीबन 15 दिन पहले जापान में थी, वहाँ हार्मोनल इम्बेलेंस का वो करी थी, हमें नहीं पता, आई डोंट नो आइडिया ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों के मुल्क में सुनते हैं या थर्ड वर्ल्ड में सुनते हैं, हमारे जापान में इस तरह का नहीं है। रीज़न दैट उनकी अभी भी लाइफ अगर आप देखें लाइफ मॉडिफिकेशन उनकी बहुत अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इवन उनकी डाइटरी हैबिट बहुत अच्छी है, चिकन वो खाते नहीं, बीफ वो बहुत कम, सी फूड उनके यहाँ ज़्यादा है। और अगर इसी को अगर पैरामिट को अगर मैं चेंज कर दूँ तो हमारे यहाँ ज़्यादा ग्राफ किसका मिलेगा उसका, चिकन का। काब्स भी हमारे यहाँ से ना ऑलमोस्ट बच्चे खाना ख़त्म कर चुके हैं, पहले ये होता था किसी के यहाँ ब्रेड जा रही तो ये कहते थे कोई बीमार है, अब ये होता है कि ब्रेड जानी ही जानी है, बिल्कुल, मतलब मेरे अपने भी घर में आ रही है, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रही। तो अब हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल 360 चेंज हो चुका है, हम उन चीज़ों पे आ चुके हैं जो कि मतलब एक तो प्रिजर्वेटिव फूड आप देखें अगर नगेट्स हैं वो आ रहे हैं, बच्चे वो बहुत शौक से खाएंगे, अगर आप वेजिटेबल अगर बना लेते हैं, मुझे नहीं पता बाज़ लोग तो कहते हैं हमारे बच्चे खाते ही नहीं है, ऐसे ही खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खा लेते हैं, मगर मैं सबको यही कहती हूँ कि माएँ थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें, हमारे वक्त की भी तो हमारी वालदा हैं, हमारी नानी दादी इस तरह करती थी कि चीज़ें ऐसी बनाती थी कि बच्चों को एक अट्रैक्शन हो और वो चीज़ खाएं। अगर आप चिकन की कोई चीज़ बाज़ार से ले रहे हैं, शवरमा ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि घर में थोड़ा सा ऐसे बनाएं कि एक तो हाइजेनिक होगा, बिल्कुल लो कॉस्ट पे होगा, आपको पता होगा आपने इसमें डाला क्या है। हमें नहीं पता वो मुर्दा मुर्गियाँ जो मर जाती हैं, जो कि गर्मी में आजकल तेज़ी से मरेंगी, तो वो मरी हुई मुर्गियाँ ज़िबा करके आपको ये शवरमा की सूरत में या किसी भी सूरत में ब्रोस्ट की सूरत में मिलता है। अच्छा उनका ब्रेस्ट इतना बड़ा होता है कि उनको अपना क्वांटिटी बढ़ानी होती है, क्वालिटी नहीं बढ़ानी होती, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारी लाइफ इसलिए हमारे हार्मोन इम्बेलेंस जो हुए हैं ना इस वजह से हुए हैं। स्ट्रेस लेवल बच्चे को अगर जैसे रात कल पेपर है वो रात में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 10 बजे सो जाए। हम अपने दौर में देखें तो हम अपने दौर में ये होता था कि कल पेपर है, हर चीज़ यूनिफॉर्म हर चीज़ हमारी टेबल पे ऐसी लगी कि सुबह पहनना है जाना है, नहीं तो अम्मा उठा के मारना शुरू कर देंगी कि क्यों नहीं रखा। तो अब हमारे यहाँ बहुत चेंजेस आ गई हैं जो कि निगेटिव आ गई, पॉजिटिव नहीं आई, हमारे यहाँ पॉजिटिव चेंज ऐसा कुछ नहीं आया है। हमारे मुल्क में अलमिया है कि माजरत के साथ हमारे मुल्क में निगेटिव चीज़ों को इतना 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 प्रमोट हुआ, इतना हुआ, व्लॉगर्स आ गए, वो बच्चे अब समझते हैं इस तरह पैसा अर्न करना ज़्यादा आसान है, इस तरह से ये चीज़ ईजी टू अप्रोच है, मगर इन सब चीज़ों की लाइफ है 10 साल 5 साल। मैं कहती हूँ अगर एक डॉक्टर या इंजीनियर जितनी एज उसकी ज़्यादा होगी इतना वो गोल्डन की आपके लिए बनेगा, एक यंगस्टर डॉक्टर जो होता है नीम हकीम खतरा है जान होता है, मगर जितनी एज उसकी ज़्यादा होगी जितना उसका तजर्बा ज़्यादा होगा अपनी फील्ड में वो इतना ही पुराना और इतना ही गोल्डन है ना कहते हैं ना कि
वो डॉक्टर बन जाता है। मगर बानिस्बत अगर मैं इसमें देखूं कि व्लॉगर्स को देखूं, बात ये नहीं मैं किसी व्लॉगर पे या किसी पे कमेंट्स करना, मतलब एक हमारे मुल्क में ना जो चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं जिसमें बताया जा रहा है इसमें पैसा है, तो बच्चों को एक अट्रैक्शन आ गई इस चीज़ में पैसा है। जैसे आपने देखा कि अमेरिका वगैरह के बच्चे इतना नहीं पढ़ते, क्यों? वो कहते हैं हमें हेल्थ फ्री, इंश्योरेंस फ्री है, पढ़ाई फ्री है, हम जॉब नहीं करेंगे तो हमें जॉबलेस होने का अलाउंस अलग मिलेगा। तो वहाँ के लोग नहीं पढ़ते, हमारे एशियंस जो वहाँ जाते हैं वहाँ पढ़ लेते हैं। मगर हमारे मुल्क में भी कुछ सालों में ऐसा ही होगा कि हमारे यहाँ भी चंद एक लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग मैं कहती हूँ इसी तरह खच्चर बन जाएंगे या यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। तो हमारे मुल्क में रहेगा कौन? वो लोग रहेंगे जो कि बस इसी तरह कमाएंगे 5 साल 10 साल, फिर वो रख के खाएंगे। रख के खाने में तो आपके खजाने खाली हो जाते हैं, ठीक, वो नहीं रहते। अच्छा मुझे बताइएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट का की हाइजीन का ख्याल किस तरह रखा जाए, जिसे हम इग्नोर करते हैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से? देखिए उस हवाले से अगर थोड़ा सा हम कवर करके चीज़ों को बता सकें ताकि स्क्रीन पे लोग सुन भी सकें। इसमें देखिए इस तरह जैसे ये होता है कि अगर जैसे बच्चियाँ हैं ड्यूरिंग इतना मतलब साइकिल, इस तरह समझ लें कि अगर वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के लिए कि जब भी वो टॉयलेट वगैरह जाती हैं एवरी टाइम वो नैपकिन वगैरह अपना चेंज करते रहें, देन ये कि एक नहाने की आदत एक मिथ है हमारे यहाँ, नहाएंगी नहीं 7 डेज, तो प्लीज़ ये नहाती रहें। बिल्कुल नहाती रहें, नहाने में ये होगा अगर उनके पास, वो जो बात एक कहते हैं कि नहीं नहाना नहीं चाहिए, नहीं, वो, नहीं, नहीं, ये हो जाते हैं मसले, वो हो जाते हैं, वो थोड़ा सा उन लोगों को बताएं जिनके जहन में बहुत सारी बातें हैं। ये सब मिथ्स हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। इससे आप एक तो कंडीशन आपकी तरफ से ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि आपकी साइकिल रेगुलर है, उसको मेंटेन करने के लिए अपने नैपकिन चेंज करते रहें, नहाएं रोज़ाना, नहाने को कोई मना नहीं है। हाँ अलबत्त आप खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा ये कैफीन वाली चीज़ें ना लें। अच्छा, कैफीन वाली हमारे यहाँ आजकल बच्चियाँ जो ब्लैक ना या वाइट जो भी ना कोल्ड ड्रिंक आप जिस तरह भी ले लें, वो सोडा की सूरत में इसकी सूरत में जो लेती हैं इंटेक करती हैं, इस दौरान हार्मोन इम्बेलेंस करने में कैफीन इन द पीरियड ऑफ साइकिल बहुत बड़ा रोल है। तो काइंडली इन चीज़ों को बच्चियाँ ये अवॉइड करें। इवन ये जो आप पोटैटो ये जो होता है आलू इसके चिप्स फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो मार्केट में जो मिलते हैं वो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सा आपको शेडो दिखता है वो एक्चुअली आपका रुबेला पॉजिटिव कर देता है। ये मतलब जब आप डिलीवरी हो रही होती है तो ये रुबेला पॉजिटिव होने की वजह से काफ़ी चीज़ें आप मतलब उस वक्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी आती हैं। तो कोशिश करें, अगर खाने को मना नहीं है फ्रेंच फ्राइज अगर आपने खाने घर में बना लें, एक तो कॉस्ट आपकी कम आएगी, हाइजीनिक तरीके से आप कर लेंगे, वो मार्केट में बन रहे हैं वो धुल के डायरेक्ट उसमें आपने स्टार्च वगैरह लगाया, फ्लेवर डाला, वो फ्लेवर किस चीज़ का है हमें नहीं पता, किस मुल्क से आ रहा है, हलाल है नॉन हलाल है हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, कुछ ना करें कुछ ना करें, अगर वॉशरूम जा रहे हैं कमोड पे बैठ रहे हैं या फ्लैश जैसे भी आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट ये कि पहले जाने से पहले यूटीआई को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट ये होता है पब्लिकली है या इवन आपका अपने घर का है, आप फ्लैश सबसे पहले करें, ठीक, फ्लैश करें, जगह को ड्राई करके रखें, नैपकिन अपना चेंज करें, कोशिश करें कि वैसे भी नॉर्मली 10 से 12 ग्लास पानी पिए, ड्यूरिंग साइकिल 10 से 12 से आप 16 ग्लास पे आ जाएं। जितना अच्छा मतलब आपका मेटाबॉलाइज अच्छा होगा बॉडी में इतना अच्छा आपका साइकिल रेगुलर रहेगा। लोग पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि साइकिल है, फिर जाएंगे पूरा चेंज करो इस चक्कर में, उसमें वो ये बच्चियाँ यूटीआई डेवलप करती हैं। हमारे पास जब जब आती हैं तो ये होता है कि दर्द हो रहा है, सबसे पहले मैं तो साइकिल का पूछती हूँ, हाँ हाँ है पानी, नहीं तो फिर बार बार, अच्छा सर्दियों में तो शायद पूरे दिन में एक ग्लास पीती हैं, तो वो आप अपना किडनी लोड बढ़ा देते हैं, आप वर्कअप लोड बढ़ा देते हैं अपने वाइटल ऑर्गन्स का, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं ना जैसे किडनी वगैरह, तो उस पर लोड आ जाता है, उसको तो आप पानी पिए या ना पिए आपको 600 ml उसने आपकी बॉडी से निकालना है। अब जब नहीं पिएंगे जब भी निकालना है, पिएंगे जब भी निकालना है, तो बेहतर है कि पिए निकालें तो आपकी और ऑर्गन्स जो है ना वर्कलोड ज़्यादा ना करें। तो बस इस तरह ये बच्चियाँ ये अगर मेंटेन करें तो मेरे ख्याल है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शो का टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बातें जो हैं इन्होंने बताई हैं डॉक्टर साहिबा ने। डॉक्टर लुबना हफीज़ हमारे साथ थी
और इस प्रोग्राम में यकीनन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिली होंगी, किस तरह आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से आपने सारी चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि एक अहम जो है टॉपिक है जिसको कहीं ना कहीं हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती और बहुत सारी वीकनेस हमारी तरफ से होती है जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। यकीनन आपको हमारा शो आज का हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से है यकीनन पसंद आया होगा। इसी तरह देखते रहें, अगला शो फिर हम लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।